अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है जो कि है चिकन वेज तवा बर्गर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा डाल देंगे बस, और थोड़ा सा इसको गर्म हो जाने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज चॉप की हुई बारीक, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई है, अब हम इसमें ये चॉप किया हुआ बारीक टमाटर डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए, अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च थोड़ी सी, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इसमें बॉयल और श्रेड की हुई चिकन डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा बर्गर का। तो मिक्स करेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब बस इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हमारी स्टफिंग जो है बर्गर की वो रेडी हो जाएगी। तो बस 2 से 3 मिनट आप इसको मीडियम फ्लेम पे भून लें और फिर इसको अच्छे से ठंडा कर लें। तो 2 से 3 मिनट हो गए, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं बन को मैंने टोस्ट करके रख दिया है, अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग रेडी की थी वो डाल देंगे अच्छे से, चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, चारों तरफ हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो ये स्टफिंग हमने चारों तरफ स्प्रेड कर दी है, थोड़ी सी इसके ऊपर हम डालेंगे केचप थोड़ी सी, और इसी के साथ हम इस पर थोड़ी सी डालेंगे मायोनीज, और थोड़ा सा चम्मच से इसको हम मिक्स कर लेंगे और चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो ये चारों तरफ हमने इसको स्प्रेड कर दिया, अब जो ऊपर का बन है उससे इसको हम कवर कर देंगे। तो ये एक बर्गर हमारा बनकर रेडी हो गया, इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये रेडी हो गए हमारे तवा चिकन वेज बर्गर्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।